स्पॉन्सर्ड बाय शिव शक्ति हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आईटीआई मोर्चास। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा और मैं पहली बार यहाँ बोकारो थर्मल सिटी में आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा और सबसे अच्छा ये देखकर लगा कि भक्तों में भी पूरा ही जोश था और जब ऑडियंस में जोश होता है तो सिंगर को वैसे भी बहुत काम कम करने की ज़रूरत पड़ती है। नहीं देखिए, मुझे तो अभी 15 साल हो गए भजन गाते हुए। मैं बहुत ही छोटी उम्र से भजन गा रही हूँ, लेकिन इस तरह की कोई धमकी और ये सब चीज़ें तो मुझे नहीं मिली है। बल्कि मैं जहाँ पे भी गई हूँ लोगों का सपोर्ट ही मिला है। आजकल थोड़ा सा माहौल हिंदू मुस्लिम वाला ज़्यादा है, इसलिए कई कई लोग, जैसा कि मैंने मंच पे भी कहा, कई लोग कहते हैं आपको भजन नहीं गाना चाहिए, तो उनके लिए मैं वही कहती हूँ कि मुझे तिल तिल करके मत मारो, कुछ और पल जिंदा रहने दो, मुझे लाल हरे में मत बांटो, मेरे छत पे तिरंगा रहने दो। अच्छा, इस मुकाम, देखिए किसी भी मुकाम पे पहुंचने के लिए स्ट्रगल तो हर इंसान को करना पड़ता है, तो मेरे भी जीवन में बहुत ही कठिनाइयाँ आई, स्ट्रगल आई, लेकिन माता रानी ने, ऊपर वाले ने मेरा इतना साथ दिया कि आज मैं यहाँ आप लोगों के बीच में हूँ और मेरे श्रोता ही मेरी ताकत है। सबसे ज़्यादा मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर श्रोता ही नहीं है, पसंद करने वाले लोग ही नहीं है, तो फिर हमारे कलाकार होने का कोई फ़ायदा नहीं है। प्रयागराज से हुई है, मैं वहीं पर जन्मी हूँ, वहीं पर पढ़ी लिखी हूँ, वहाँ पर ही प्रॉस्पेक्ट इंटर कॉलेज से मैंने इंटरमीडिएट किया है साइंस साइड से। पीसी भी मेरा सब्जेक्ट था, लेकिन उसके बाद, उसके पहले ही मैंने गाना स्टार्ट कर दिया था, तो फिर मैंने कॉमर्स से, बीकॉम से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने एमबीए किया है विश्वेश्वरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, दिल्ली से, और साथ ही साथ मैंने संगीत की शिक्षा भी प्रयाग संगीत समिति से ली है, प्रयागराज से। मतलब मेरा पालन पोषण मेरी माँ ने सिर्फ किया है, मेरी मम्मी मेरी सिंगल पेरेंट है, तो मेरी मदर ने मुझे हमेशा हर चीज़ में सपोर्ट ही किया है। हाँ, जो और भी रिश्तेदार थे उन लोगों ने बहुत रोकने टोकने की कोशिश की, लेकिन मेरी मम्मी हमेशा मेरे सपोर्ट में, हमेशा मेरे साथ खड़ी रही और मैंने जो भी चाहा जीवन में करना, उन्होंने मुझे हमेशा एकदम मेरे साथ एक पिलर की जैसे खड़ी रही और मेरे हर सपने को पूरा करने में मेरी मदद करी। आज अपने कला के अनुसार आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस BTPS के लोगों को या देश को? धर्मा तू तेरा सब कुछ, मैं मेरा सब कुछ तू, हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए।